नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार होंगे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। 17 और 18 जून को नए सांसदों को दिलवाएंगे शपथ, जिसके बाद 19 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चयन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पाकिस्तान अपना एयर स्पेस खोलने को तैयार। पीएम मोदी किर्गिस्तान के बिश्केक में होने जा रहे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में शिरकत करने 13 जून को जा रहे हैं। इसी को लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पीएम मोदी को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने देने पर पाकिस्तान राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार प्रशांत कनौजिया को फौरन जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश। कहा, नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है, उसको बचाए रखना जरूरी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट ले जाने को कहा है। प्रशांत कनौजिया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कसा तंज। कहा, अगर फेक न्यूज और मेरे खिलाफ दुष्प्रचार को देखा जाए तो इस मामले में कई टीवी चैनलों के आधे से ज्यादा पत्रकार जेल में होंगे। इसरो की चंद्रयान 2 को मिशन पर भेजने की सारी तैयारी पूरी। ताजा जानकारी के अनुसार आगामी 9 जुलाई को चंद्रयान 2 किया जा सकता है लॉन्च। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन की कई चुनौतियां भी हैं, जिसमें कम्युनिकेशन में देरी एक बड़ी समस्या है। UPSC ने सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड किए जारी। इन सभी के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। आपको बता दें, एडमिट कार्ड UPSC के आधिकारिक वेबसाइट पर 30 जून शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। इस दौरान नवीन पटनायक ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री को बधाई दी और हाल ही में ओडिशा में आए तूफान से प्रभावित लोगों की मदद के लिए विशेष पैकेज की मांग की। नए सप्ताह में लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 115.93 अंकों की तेजी के साथ 39,900.45 पर खुला, तो निफ्टी 32.25 अंकों की मजबूती के साथ 11,959.85 पर खुला। विश्व कप के 16वें मैच में आज भिड़ेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका। दोपहर 3 बजे से ब्रिस्टल के मैदान पर खेला जाएगा मैच। अगर रिकॉर्ड की तरफ देखें तो दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 45 मुकाबलों में बांग्लादेश जीत सकी है मात्र 7 मुकाबले। अभिनेता अमिताभ बच्चन का ट्विटर हैंडल हुआ हैक। हैकर ने अमिताभ की प्रोफाइल पिक्चर बदल के लगा दी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तस्वीर। इसके साथ प्रोफाइल का बायो बदल कर लिख दिया लव पाकिस्तान, लेकिन कुछ ही देर बाद अमिताभ के ट्विटर हैंडल को रिकवर कर लिया गया। सलमान कटरीना की फिल्म भारत ने 6ठे दिन भी मचाई धूम, कमाए 10 करोड़ से ज्यादा रुपए। फिल्म ने 5वें दिन ही कर ली थी 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई। शाहिद कपूर को रंग दे बसंती फिल्म ना करने पर है पछतावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहिद को सिद्धार्थ की जगह पर रोल ऑफर किया गया था, जिन्होंने मूवी में करण सिंघानिया का किरदार निभाया था। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।